सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ी थी, केमिकल इक्विलिब्रियम समझा था क्या होता है। आज जो ये लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, द लॉ ऑफ मास एक्शन चैप्टर नंबर 8 में, उसी लॉ को हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, वही लॉ है, पुराना स्टेटमेंट है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल। कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करती है उसका रेट जो है प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीपल ऑफ द एक्टिव मासेस यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो आज इंपॉर्टेंट है, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लिक्विड फेज, व्हेनेवर वी आर टेकिंग द रिएक्टेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में इनका सॉल्यूशन बनाया गया। रिएक्टेंट ए के एम मोल्स हैं, रिएक्टेंट बी के एन मोल्स हैं, नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। इसके लिए हम केसी की वैल्यू, केसी का फार्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, ये ए एम जो है ए की पावर में जाएगा और एन जो है वो बी की पावर में जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल की साइन और कांस्टेंट लगाते हैं। इस पूरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शॉर्ट करके हमने आर एफ लिख दिया है, कांस्टेंट किया है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब हम रिवर्स यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएंगे तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होंगे क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में आ, तो लिहाजा यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन रखनी है और एक्स नंबर ऑफ मोल जो है पावर में चलेगा, वाई नंबर ऑफ मोल पावर में चलेगा। रिवर्स में हम दोनों हमने इन दोनों को एज ए रिएक्टेंट कंसीडर किया, लिहाजा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने शॉर्ट करके आर आर लिख दिया और प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल के कॉन्स्टेंट आ गया। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमने आर एफ की जगह ये वैल्यू रख दी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी आर आर की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। फिर हमने ये जो वैल्यू है ए बी इनको ला कर डिवाइड कर दिया के आर को ला के, सॉरी ये के आर जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। लिहाजा ये प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, के एफ अपॉन के आर ये कांस्टेंट है, हम इसके लिए नया कांस्टेंट लगाते हैं के सी। के सी सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लिक्विड फेज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लिहाजा के सी क्या हो गया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।